गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टू मिनट। मैं ऐसे अच्छा लग रहा हूँ या थोड़ा लुक बदलू, क्या बोल रहा हूँ, बदलू। अब सिर्फ एक सेकेंड, वन सेकेंड तक गिनिए, मैं अपना लुक बदल के आया। इन 3 2 1 बूम। मैं चश्मे के साथ अच्छा लग रहा हूँ ना, स्पेक्सी बॉय, स्पेक्सी बॉय। बेस्ट नेम इन्वेंटेड बाय आयुष शुक्ला। भैया हाँ, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक आइडिया है, मैं थोड़ा क्विज़ी रखता हूँ। आप लोग गेस करो कि मैं किसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। मैं थोड़ी हिंट देता हूँ आपको, जैसे मैंने दिया इट्स क्रिंजी, वो बहुत क्रिंजी है, क्रिंज हो गया, आपका दिमाग फट जाएगा, क्रिंजी क्रिंजी क्रिंजी, फनी है, अजीब लोग हैं। अगर आपने सोचा है 5 मिनट क्राफ्ट तो आप लोग गलत हैं। अगर आपने अभी भी सोचा है 5 मिनट क्राफ्ट नहीं है, अच्छा हाँ लाइकी लाइकी लाइकी, तो लाइकी भी नहीं है। उसका नाम है टिकटॉक। यस, उसका नाम टिकटॉक है। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उसके अंदर एक पागल लोग हैं। छोड़ो, वीडियो चालू करते हैं। हाँ, तो मैं बात करने जा रहा हूँ टिकटॉक की। तो टिकटॉक एक ऐसी जगह है जहाँ आपको वही क्रिंजी लोग, पागल सकिया हुए लोग, पर कुछ ऐसे होते हैं जैसे कुछ नॉर्मल लोग, जैसे बाई चांस ये 1 मिलियन वाला टिकटॉक और यहाँ एक नॉर्मल लड़का, अगर टिकटॉकर इससे मिला, टिकटॉक के बारे में सब कुछ बताया, सब कुछ एक एक पर्सनल चीज़, तो बताए ये नॉर्मल लड़का कहाँ तक पहुँच जाएगा, इस वाले मिलियन वाले 1 मिलियन वाले टिकटॉकर को भी फील करके आसमान को चीर के चला जाएगा। यस, और एक छोटी सी पर्सनल बात बताऊं, मैं भी पहले टिकटॉकर था। यस, पर मेरा अकाउंट किसी की वजह से डिलीट हो गया, वजह से नहीं एक प्रॉब्लम की वजह से वो डिलीट हो गया। तो फॉलो मत करने जाना, वैसे भी मैं अकाउंट का नेम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता उस अकाउंट का क्या नेम था। तो मेरे अकाउंट को थोड़ा साइड रखते हैं, बात करते हैं इसकी, यस टिकटॉक की। पता मैं इतना उसका नाम इतना धीरे क्यों ले रहा हूँ, उन लोग यहाँ आ सकते हैं कभी भी, कभी भी, कभी भी। बहुत बकवास जा रही है अभी तक। हाँ, वीडियो ला है राजू, वीडियो ला, देखिए वीडियो। फिर देख ली, क्या क्या मजबूरी थी, व्हाट मजबूरी थी, एक नॉर्मल छोटा सा बच्चा, एक नॉर्मल छोटा सा बच्चे बच्चा और उसकी माँ, मामी, फूफा, नानी, फूफा कैसे, फूफी, फूफी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ जो भी हो वो, हमें उससे कोई बात नहीं करनी, साइड रखो। पर बेचारा बच्चा सोच रहा होगा जिंदगी में पहली बार मैं गोलगप्पा खाऊंगा, सोचूंगा वाह 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 क्या टेस्ट होगा, क्या पानी होगा। लेकिन क्या हुआ उसके साथ, उसके अंदर मुंह से क्या, ऐसे मैं जैसे मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ, ये डिब्बा समझो, बाई चांस ये डिब्बा एक गोलगप्पा है, ओके सीन, ऐसे मैं उसकी मम्मी हूँ, ऐसे ले जा रही हूँ, उसकी मम्मी भैया
अपने हुए। अच्छा ये लो, बच्चे के अंदर क्या फीलिंग आ रही होगी तुम सोचो, मैंने कितने गोलगप्पे खाए। यह बच्चा बड़े होके क्या पूछेगा मम्मी से, मम्मी मैंने पहला जंक फूड क्या खाया। बेटा तुम खाने जा रहे थे तो थोड़ी गड़बड़ से वो गिर गई। फिर बच्चा थोड़ा फ्लैशबैक में जाएगा और से आ रहेगा, मम्मी वो गिरा नहीं था, वो आपका भी थी। थोड़ा से दूसरी वीडियो लगाते हैं, लगा राजू। अरे अंकल। और बेटा पढ़ाई की चल रही है? फालतू बात नहीं। वीडियो देख ली ना कैसे लग रहे। अभी इमोशनल बच्चे के साथ मैंने एक वीडियो देखी और अभी ये हाँ मुझे याद आया, आई गेस ये वही बच्चा है, छोटा था तो गोलगप्पा मुंह से चरक गया, साइड हो गया बिल्कुल आर पार, तो इसके अंदर हो गया आग, आग बबूला, बिल्कुल आग बबूला। और कुछ इसने ये किया, मैं आपको दिखाता हूँ दो मिनट। अरे अंकल नमस्ते, कैसे हैं आप? बेटा हम तो सही हैं, तुम्हारी पढ़ाई कैसे जा रही है? फालतू बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फालतू बात बिल्कुल भी नहीं, वरना वही ठंडा पड़ा बरसा देंगे 220। चुप मेरा पंखा, बाय चांस ऐसा होता तो वो क्या करते। ऑप्शन रखता हूँ, नॉर्मली इन अंकल की तरह साइड होके चली जाती या क्या करते, हम आगे जाते दो तीन कुंडे लाते और बजाते कस कस के कस कस के कस कस के। ऑप्शन नंबर सी या वो क्या रखो, ऑप्शन सी या वो जाते जेसीबी की ट्रक लाते, घर को हटाते फिर गुंडे हो जाते। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर बम गिरा दो। ओके कंट्रोल कंट्रोल आयुष कंट्रोल। अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हुए, अगली वीडियो एंजॉय इट राजू, लगा दे वीडियो, लगा दे लगा दे लगा दे वीडियो। मैम मुझे दो दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी तो मैं दे दूंगी, पहले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? हो सकता है कि बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी ना दी हो। पप्पू कितने दिन की छुट्टी चाहिए? ओ, देख ली वीडियो, बताओ कैसे? बाय चांस ऐसा हुआ ना कि दिस बाय चांस कुछ ऐसा हुआ, मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। एक्चुअल रियलिटी सीन्स ये पेश किया जाए। अबे भाई तुझे याद है वो परसों हमारा दोस्त है ना जो बहुत अमीर है? हाँ वही, वो हमें USA लेके जा रहे। भाई स्कूल से छुट्टी कैसे लाए भाई, बता देना भाई, प्लीज बता दे भाई। भाई मुझे लगता है मैम से पूछ एक बार, ऐसे कोई बहाना बना दे क्या जा रहे, मैम को थोड़ी ना पता है। भाई देख तेरे कहने पर ही पूछ रहा हूँ, बचा लियो भगवान, जय श्री शंकर जय श्री राम। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी यानी बेटा देख छुट्टी तो मैं दे दूंगी पर मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, बोल देखा जवाब। यस मैम, अब जवाब पूछिए। मैं सारे जवाब दूंगा, अब कोई भी सवाल पूछ। अच्छा बेटा चल पूछती हूँ सवाल, तो किताब को उधर रखती हूँ और जरा
था कि थोड़ा पर्सनल पास आ सकते। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मैम एक मैं भी बात कहूँ, मुझे स्कूल रहने ही नहीं है, मुझे सस्पेंड कर दो। आप कौन है, कहाँ से आते हैं, मुझे स्कूल में रहने नहीं। बाय चांस समझो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता तो तुम्हारा तो दिमाग सटी आ जाता। तुम करती है क्या? मैम को डायरेक्ट जवाब देती है, मैम कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि महारानी का आदेश था, या तुम कुछ ये कहते हैं? मैम लगता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी ना दी हो, और मैम का रिएक्शन कुछ ही होता है। निकल, पहली फुर्सत में निकल, या कुछ ही होता है। ओके बेटा, छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी, फिर तुम क्या करोगे? दरवाजा पेन सब कुछ फेंक डालोगे या बोलोगे माफ कीजिए हम सस्पेंड हो रहे हैं, पास वाली झोपड़ी वही पढ़ लेंगे, मस्त पढ़ाते हैं, मुझे रहने ही नहीं है, टाटा सी यू बाय बाय। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना कि कैसी लगी वीडियो, और बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आप ऐसे आगे आने वाले पार्ट जरूर देख सके। और मैं चला एक नया कंटेंट लाने, एक नई वीडियो लाने और कुछ नए सब्सक्राइबर लाने। बाय बाय।